ये गैस देखिए गैस, यहाँ पे इस तरह से मछली मिलता है यहाँ पे देखिए। अभी तो यहाँ पे कर रहे हैं बी बोइंग, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे है हाथी गैस, हाथी मेरी साथी, बहुत बड़े बड़े हाथी रानीगंज ब्रिज पार कर रहे हैं हाथी। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अंकल बैठ रहे हैं यहाँ पे, ये हाथी। हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, फिर से आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज को मैं पासीघाट पे ही आप लोगों को राइड करके, अभी जस्ट शाम के समय, अभी इवनिंग के समय है, तो अभी राइड करके आप लोगों को दिखाऊंगा जस्ट राइडिंग करके अभी के नज़ारे, शाम के नज़ारे। तो चलिए गैस वीडियो पे बने रहे। आज मैं गैस अपना बाइक से नहीं जाऊँगा, आज मैं जाऊँगा गैस स्कूटी से। तो अभी हो गया है शाम के समय, तो चलिए गैस मैं और मेरा वाइफ, मेरा स्कूटी नहीं है गैस, ये मेरा वाइफ की स्कूटी है। सो मैं अपने बाइक को आज रख दिया है। तो यहाँ पे गैस रिसाइकिल का यहाँ पे फैक्ट्री बनाया जा रहा है पासीघाट के अंदर पे, बहुत ही अच्छा है रिसाइकिलिंग की, क्योंकि कचरा हर जगह कचरा ही बढ़ते जा रहा है, कचरा ही कचरा। आप कहीं भी जाओ, जो भी व्यू रिवर साइड व्यू जाओ, कहीं भी घूमो, कचरा तो आपको वहाँ पर एक दो दर्जन दिखाई देंगे। तो ये बहुत अच्छा है रिसाइकिल फैक्ट्री के लिए। तो यहाँ पे है ये गैस एयरपोर्ट वाला लेन लोग, यहाँ पे एयरपोर्ट लेन, जो कि यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है मानसून के सीजन पे, यहाँ पे पूरा पानी हो जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ गैस ये जारकोंग साइड से, आज मैं एयरपील साइड से नहीं जा रहा हूँ, एयरपील साइड हो गया वो साइड से। तो आज मैं जाऊँगा यहाँ से होके जारकोंग होके मार्केट, मेन मार्केट निकलता है जो कि है जारकोंग, एक कॉलोनी है जारकोंग कॉलोनी, पासीघाट के अंडर पे आता है। सो चले गए जालेंगे आगे की ओर, सफर देखते रहिए मेरा वीडियो। यहाँ पे पूरा मानसून के सीजन पर पूरा पानी होता था, यहाँ पे मछली निकलता है, तो देखते हैं अंदर जाके। अभी मर रहे हैं छोटे बच्चे लोग मछली उछली, देखते हैं मछली मिलता है कि नहीं, कैसे कैसे मछली मिला है, तो देख लेंगे अभी अंदर जाके। तो यहाँ से रास्ता कुछ इस तरह से है गैस, ये गैस ये पूरा, ये उस दिन मानसून के सीजन में बड़े बारिश होते समय पूरा ये पानी भर गया था, ये एरिया जो पूरा पानी हो गया था गैस, ये एक पॉन्ड की तरह हो गया था। यहाँ से रास्ता गैस ऐसा था रास्ता, लोग देखिए गैस यहाँ से था रास्ता, और अंदर से वहाँ पे जाते हैं कॉलोनी जारकू, ये जारकू कॉलोनी होते हैं। तो फिर पूरा ये लेन जो, ये जो पूरा पानी भर गया था, यहाँ पे मार रहे हैं ये छोटे भाई लोग बहन लोग, पकड़ रहे हैं हाथ से, हाथ से पकड़ रहे ना। ओ वाओ, ये देखिए गैस यहाँ पे है, ये मर गया ना, पूरा सर गया, ये लत नहीं पकड़ा ना जी ना, ये तुम पे क्या है, पूरा सर गया ना। ये गैस देखिए गैस यहाँ पे इस तरह से मछली मिलता है यहाँ पे देखिए, अभी ये जो है एयरपोर्ट लेन ये, अभी तो यहाँ पे है छोटे छोटे वाला मछली, ये पोर्ट्स देखिए गैस कुछ इस तरह से है, ये देखिए छोटे छोटे वाले। तो यही है गैस, ऐसे जस्ट आप लोग को दिखाने थे यहाँ पे कुछ इस तरह से, और दी जलेगा पकड़ लीजिए ना। तो गैस एक्चुअली ये पूरा भर जाता है गैस समर के सीजन, अभी समर के सीजन चल रहे हैं, बारिश जोर से बारिश गिरने से यहाँ पे पूरे भर जाते हैं पानी। तो अभी जालेंगे मार्केट, अभी जस्ट ये अपने कॉलोनी के ये सामने पे ये है जो ये फील है एयरपोर्ट लेन वाला, तो अभी मार्केट जालेंगे, मार्केट जाके आपको दिखाएंगे वहाँ पे वीडियो। पानी को रंग जो पूरा मार्केट से घूम के आता है गैस, ऐसे घूम के जाता है ये सियांग रिवर के वहाँ पे। तो चले गए जालेंगे, और यहाँ पे देखिए गैस ये पानी को रंग पूरे कचरा लेके आते हैं मार्केट के, यहाँ पे पूरा कचरा जमा हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर इज द ये कचरा, इसको तो बहुत बार साफ करते हैं यहाँ पे, मैंने बहुत पहले भी देखा है जेसीबी आता है साफ करता है, लेकिन फिर से वही हालत हो जाता है कचरा, क्योंकि कोई कचरा का मेंटेन करता नहीं है, इधर उधर फेंक देते हैं अपने कचरा, घर के कचरा। तो दैट्स व्हाई यही हालत होता है हर साल हर दिन। सो गैस पहुंच गया है, ये है जारकोंग, दिस कॉलोनी इज नॉन एज जारकोंग, अभी हम लोग आ गए हैं जारकू से जारकोंग, जारकोंग कॉलोनी। तो कुछ इस तरह से है गैस, अभी राइट नाउ शाम के समय धूप डल गया है, बहुत ही ठंड मौसम है, छाया हुआ है, एक आदिन का मतलब है गौरी का मीट यहाँ पे बेचता है। तो यहाँ पे बेच रहे हैं बेम्बू सूट दुकान लोग में, अभी गैस हर जगह आपको ये इस तरह से ये पासीघाट के अंदर पे ये वाला केनल बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा है, ये जो वेस्ट जो पानी ओवरफ्लो होने के लिए यहाँ से बनाया दिया गया है, तो ये सब अच्छा है गैस, यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग निकल गया है ये बैंक एरिया से, ये है बैंक लाइन, यहाँ पे बैंक और बस स्टेशन सामने पर है पास पे। अंकल क्या ब्लॉक है क्या आगे से रास्ता? ओ तो यहाँ पर बना रहे हैं रास्ते, तो आई थिंक घूम के जाना पड़ेगा आगे पे।
तो अभी निकलेंगे दूसरे कॉलोनी दूसरे गली से। तो गैस कोई अगर मेरा वीडियो देखता है बाहर से, कोई पसीघाट आना चाहता है तो आप मेरा वीडियो देखेंगे तो पूरे आपको कॉलोनी हर गली आपको पसीघाट के बारे पता चल जाएगा। अभी आ गए हैं हम ये बांसकोटा एरिया, यहाँ पे पहले बहुत बांस होते थे बैम्बू, तो अभी इसलिए इस जगह को नाम को रख दिया है बांसकोटा। तो यहाँ पे पहले ज़माने में बहुत यहाँ पे बैम्बू के अच्छी पेड़ होते थे, तो अभी तो फिलहाल पूरे काट दिया गया है, काट के पूरा सब बिल्डिंग्स बना दिया गया है, मकान बना दिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स शॉपिंग्स, तो इसके लिए यहाँ पे ये कॉलोनी का नाम रखा गया है बांसकोटा। तो अभी रास्ता गाइस कुछ इस तरह से है, यहाँ पे फिलहाल बना ही नहीं दिया गया है, यहाँ पे कुछ इस तरह से रास्ता है, ये वाला गिट्टी वाले वाला गिट्टी वाले रास्ते है, आई थिंक ये लोग जो कंक्रीट से बनाई दिया जाएगा बाद में। तो फाइनली गैस हाईवे निकल गया हूँ अभी, ये है गैस फैमिली मार्ट, यहाँ पे है फैमिली मार्ट पसीघाट के बांसकोटा एरिया पे। तो बस फाइनली आ गया है नेशनल हाईवे, तो हियर इज़ द नेशनल हाईवे। तो कुछ इस तरह से है अभी माखन वाला रास्ता, अभी जाएंगे यहाँ से राइट हैंड साइड फिर से घुस जाएंगे ये गली पे, तो वहाँ से गली से जाएंगे तो मेन मार्केट पसीघाट के अंदर वहाँ से निकल जाएंगे अभी मेन मार्केट पसीघाट मेन मार्केट के अंदर बाजार पे। तो यहाँ पे है कुछ इस तरह से है अभी फिलहाल, ये है गैस बना रहे हैं ये स्मार्ट सिटी वाला ये बड़ा सा मार्केट यहाँ पे, बट मैं कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़ा सा होगा ये मार्केट पसीघाट मार्केट जब बन के कम्प्लीट होंगे। तो यहाँ पर ये ऑटो स्टैंड लुक है यहाँ पर, तो यहाँ से मैं सीधे जाऊंगा अभी, ये कॉस्मेटिक वाले दुकान लोग लाइन लोग है यहाँ पे, कॉस्मेटिक दुकान लोग यहाँ पे, कॉस्मेटिक लाइन लोग यहाँ पे शैम्पू स्रब बेबी मम्मी पोको पेंस ये सब मिलते हैं, ये इज़ द कॉस्मेटिक लाइन। तो यहाँ पे है कुछ इस तरह से गाइस। सो मौसम तो अभी ठंड मौसम चाहे वो है, बहुत ही चिल वाला मौसम, तो अच्छा लग रहा है राइडिंग करके। रेन बना रहे हैं अभी भी, ये देखिए पूरे काम चालू है। दूसरे वाले मिनी मार्केट फ्रूट मार्केट, यहाँ पे फ्रूट लोग मिलेंगे अंडे और वहाँ पे सब्जी लोग है। तो ये यहाँ पे बनाने आया है ये छोटा सा पंखा, ये जो है ये चाइनीज वाले दो, तो इसको ऐसा नहीं है कि गैस चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत बेकार होता है, चाइनीज़ लोग एक्चुअली बहुत ही एडवांस है, वो लोग टेक्नोलॉजी में मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग बहुत ही एडवांस है, बहुत नए नए वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं। सो गैस ये फ़ैन देखिए गैस हल्का सा बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर इसका फ़ैन ख़राब हो गया है, सो वो बना रहे हैं अभी यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो चले गए थोड़ा अंडर की ओर, मार्केट आपको दिखा लेंगे, यहाँ पर है ये टेडी बियर लोग सॉप्स लोग बेच रहे हैं यहाँ पे, आंटी यहाँ पे है तो इस लोग पार्लर्स, एंड हियर इज द ये भी आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ये टाटा स्काई फैंस लोग है यहाँ पे, अंकल यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से, अंकल बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे है ज्वेलरी शॉप्स, तो यहाँ पे है यहाँ पे बर्बर शॉप है गैस, एंड हेयर सो यहाँ पे आगे की ओर बन है, यहाँ पे नहीं है गैस, यहाँ पे सैलून लोग है यहाँ पे, क्या बोलते हैं अंकल ये 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 मार्केट लाइन को, हाँ गुम कमर्शियल बिल्डिंग ना, ये बिल्डिंग गैस ये पहले इतना बड़ा से यहाँ पे नहीं थे, अभी रिसेंटली ही बनाया दिया गया है गुम कमर्शियल बिल्डिंग, ये जस्ट ये बालाजी मंदिर के पास पे है ये जो मंदिर लाइन है, तो यहाँ पे है वाइन शॉप। तो नागालैंड पे गैस वाइन शॉप वहाँ पे बैन है, दारू वहाँ पे बैन है, तो मैं जब नागालैंड गए थे तो वहाँ पे मैं सो गए थे, क्योंकि अरुणाचल पे तो यहाँ पे वाइन शॉप दिखाई देता है, लेकिन जब मैं नागालैंड गए थे तो वहाँ पे वाइन शॉप नहीं थे, यहाँ पे मोबाइल के शॉप्स लोग है। तो गैस यही है कुछ इस तरह सा ये जो मार्केट है अंडर की ओर आपको दिखा दिया है। तो चले गए वो जो मेरे वाइफ बना रहे थे पंखे, वो उसको देख लेंगे अभी जाके, अभी तो फिलहाल बना नहीं है इसका पंखा, तो अभी जाएंगे फिर यहाँ से थोड़ा मार्केट घूमेंगे इधर उधर। तो अभी जाएंगे ये डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर से इसको लेना है कुछ चमान, चमान लेना है चमान, यहाँ पे भी बना दिया गया है पूरा ड्रेनेज सिस्टम, अभी हर जगह पसीघाट के अंदर आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देंगे जो कि ये बहुत अच्छा है। तो आ गया है ये डिपार्टमेंटल स्टोर, तो यहाँ से लेगा ये थोड़ा कुछ सामान, तो यहाँ पे पार्क कर देते हैं स्कूटी को।
सो गाइस अंदर आ चुका है डिपार्टमेंटल स्टोर का। तो मुझे सामान, मेरे को लेना नहीं है सामान, तो मेरे वाइफ को लेना है सामान, उसको चाहिए या फिर जरूरी है। भैया पैक क्या क्या पैक कर रहे हैं भैया, कितना खोल रहे हैं? माल आया तो यहाँ पे ले रहे हैं ये मैगी, मैगी के बंडल। तो इस तरह से है, क्या बोलता था भाई स्टोर का नाम? डीजे कम्युनिकेशन। मार्शमेलो आज दिखाई नहीं दे रहा है गैस। मार्शमेलो आपको दूसरा जगह, दूसरा मार्केट, दूसरा शॉप लोग में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे है ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर लोग में, यहाँ पे कैंडी लुक है गैस, लॉलीपॉप, फ्लावर्स होगा, ये देख सकते हो। सो गैस कुछ इस तरह से है। क्या बोलता था भाई स्टोर का नाम? तो मेरे दूसरे ब्लॉग में भी है नीट सुपर मार्केट, लेकिन नाम पता नहीं था गैस यहाँ के, तो बिंदेश्वर सिंह बोल के पता था पहले हमको। तो नीट सुपर मार्केट है ना। सो गैस नीट सुपर मार्केट, तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जो कि आपको नॉर्मल मार्केट बाजार लोग में नहीं मिलेगा, जो बाजार दुकान लोग है, शॉप लोग है, वहाँ पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो डिस्काउंट्स में मिलते हैं। ओके, तो हो गया है, एक दो सामान लेना था, मैगी का ये बंडल ले लिया। तो अभी अभी जाएंगे गैस डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर, दूसरे मार्केट घूमेंगे। तो यही है बस आज के ब्लॉग मेरा गैस, जस्ट मार्केट जो शॉपिंग करने वाला मार्केट के थे, तो जस्ट कुछ इस तरह से है गैस। जो चले गैस निकाल लेंगे वैसे, तो आ गया है बाहर। तो हो गए है पैक, तो पैक करके अभी निकलेंगे यहाँ से इस डिपार्टमेंटल स्टोर से। अभी जाएंगे यहाँ से, अभी निकल जाएंगे बालाजी मंदिर से होके हाई रीजन से निकल जाएंगे। तो जाएंगे यहाँ से अभी राइट हैंड साइड, तो आ गया है अभी ये सोलुंग ग्राउंड के पास पे। और यहाँ पे भी एक ट्रेन है, ये फुटवेयर्स के लिए, ये चप्पल जूते एंड ये मनी पर्स, पर्स लोग होगा। तो यहाँ पे कैसा ये छोटा सा पार्क यहाँ पे बनाया दिया गया है, ये वाला जो मेरा दूसरे ब्लॉग में है। तो कैसा मेरा ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए गैस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए गैस। तो आप लोगों को बहुत यूनिक ब्लॉग में कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको दिखाता हूँ कंटेंट क्रिएट करके। सो सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्रिंज कॉन्टेंट आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश नहीं करता हूँ, मैं रियल जो होता है, रियल जो कैसा रियलिटी जो होता है, मैं जेन्युइन कॉन्टेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूँ। सो सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आगे जाके और अच्छा अच्छा कंटेंट, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आए मेरा वीडियो के बारे। तो आ गया है ये गैस हाई रीजन, और अभी पूरा शाम हो गया है, अभी अंधेरा होने वाला है शाम के समय। तो जस्ट मार्केट जाके अभी मार्केट से थोड़ा ये सामान लोग लेके जो मार्केटिंग करके अभी जा रहे हैं थोड़ा रानागत साइड पर राइडिंग करके आएंगे। फाइनली बनाया दिया गया है अभी रास्ता, ये देखिए गैस बनाया जा रहा है अभी फिलहाल। तो यह है चार आली गैस, यहाँ पे कुछ इस तरह से है, और हाईवे निकल गया है अभी हम लोग। ये है हाईवे, नेशनल हाईवे। और यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे मार्केट है, फिर से यहाँ पे बेच रहे हैं आंटी लोग सब्जी, ये फ्रूट्स है, ये आम लोग है, और यहाँ पे ये सूखा मच्छी यहाँ पे है, और यहाँ पे लोकल मछली लोग है गैस, यहाँ पे आप देख सकते हो बेच रहे हैं। पहुँच गया है यहाँ पे, ये है जीटीसी बोले तो ग्राम पंचायत कुछ ग्राम ट्रेनिंग सेंटर ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे हो रहे हैं बी बोइंग का ये स्ट्रीट शो। तो चलिए गए एक झलक आपको दिखा के आते हैं। तो यहाँ पे भैया लोग बेचते हैं, यहाँ पे पूरा ये लाइन हो गया है रोस्टिंग लाइन जीटीसी के अंदर पे। तो वहाँ पे किया जा रहा है बी बोइंग, तो चलिए गए स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर रहे हैं पसीघाट के अंदर पे, तो आपको दिखाते हैं। सो शायद गैस आप लोगों को पता नहीं हुआ, मैं एक रैपर भी हूँ, आई एम ए सिंगर रैपर ऑलराउंडर हूँ गैस, आई एम ए ब्लॉगर ऑल्सो। तो मैं एक रैपर भी हूँ, अरुणाचल हसल में पार्टिसिपेट किया चुका हूँ मैं भी। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे बी बॉइंग पे कुछ मार्केट लोग है, ये बेकरी है, यानी इज द क्लॉथ का शॉप लोग। तो यहाँ पे कर रहे हैं बी बॉइंग, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। सो आई थिंक लास्ट टाइम ये मार्केट में भी कर रहे थे, तो कुछ इस तरह से है।
सो गैस यही है, अच्छा है गैस। स्ट्रीट परफॉर्मेंस आजकल किया जा रहा है पासीघाट के अंदर में भी करना है गैस ये सब। तो पहले तो देखते थे जो वेस्टर्न कंट्री लुक में ये सब करते थे, और अभी हमने हमारे भारत देश में भी अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में भी ये सब जो स्ट्रीट परफॉर्मेंस होते हैं आजकल हो रहे हैं। तो ये सब अच्छा है, अपना टैलेंट को दिखाना है हर जगह पे, सभी को दिखाना है पब्लिक पे। तो अच्छा किया जा कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रीट परफॉर्मेंस किया जा रहा है यहाँ पे डांस भी वही। तो जस्ट आपको एक झलक दिखाना था, तो चलिए गैस अभी जा लेंगे थोड़ा रानीघाट ब्रिज घूम के आएंगे। तो बस यही है, ये स्टॉप एंड शो बोल के है ये कॉम्प्लेक्स के जस्ट ये नीचे पे स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो ये पहुंच गया है रोस्टिंग लाइन, यहाँ पे आप पूरा रोस्टिंग दिखाई देगा, यहाँ पे मीट भी यहाँ पे कटते है, ये चिकन लोग बेचते है। तो गैस आ गया है नेशनल हाईवे पे फिर से वापस से, और जैसे कि मैंने बोला था गाइस यहाँ पे पूरा रोस्टिंग लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो रोस्टिंग, यहाँ पे भी रोस्टिंग, यहाँ पे भी रोस्टिंग। अरुणाचल के अंदर गाइस पासीघाट में जितना रोस्टिंग मिलते है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको इतना रोस्टिंग बेचने वाला नहीं मिलेगा, कैपिटल में भी इतना रोस्टिंग नहीं मिलता है जितना आपको पासीघाट में दिखाई देगा। रोस्टिंग के जो शॉप होते है यहाँ पे भी रोस्टिंग, और यहाँ पे आगे पे भी है गैस बहुत सारा है, और यहाँ पे भी ये नया सा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। सो ये जीटीसी है गैस सेकेंड बड़े से मार्केट बन गया है अभी, तो पहले जो थे पासीघाट मेन मार्केट तो सबसे बड़ा था, लेकिन अभी जीटीसी भी एक बड़ा सा मार्केट बन चुका है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाया दिया गया है, और यहाँ पे भी रोस्टिंग। सो रोस्टिंग का कोई टेंशन नहीं है गैस, आपको हर तरह का रोस्टिंग मिल जाएगा यहाँ पे पासीघाट में, एंड रोस्टिंग यहाँ पे पोर्क का, चिकन का, बेंजक का, बापेलो बेंजक मीन्स, और यहाँ पे ये सीआरपीएफ का कैंप, सीआरपीएफ कैंप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का कैंप है यहाँ पे जीटीसी पे। सो गैस पूरा अंधेरा छाया हुआ है, अभी आपको इतना व्यू अच्छा नहीं आएगा रास्ता का, तो सीधा अभी रानीघाट पहुँच के आपको दिखाएंगे। तो चले गैस जा लेंगे, पहुंच गया है गैस रानीघाट ब्रिज, यहाँ पे आप देख सकते हो गैस लाइट कुछ इस तरह से, अभी शाम के समय यहाँ पे लाइट को ऑन किया जाता है, इसलिए शाम के समय आप लोगों को ब्लॉग दिखाने के लिए आ गए थे। तो कुछ इस तरह से गैस लाइट है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे है, यहाँ पे गैस लाइट कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखिए कार के ऊपर ये लोग फोटो खींच रहे है बैठ के। गैस कैसे लग रहे हो आपके रानीघाट के ये जो ट्राई कलर है गैस कॉमेंट कीजिए, ट्राई कलर गैस सेप्रोन व्हाइट एंड ग्रीन। यहाँ पे है हाथी गैस, हाथी मेरी साथी, बहुत बड़े बड़े हाथी रानीघाट ब्रिज पार कर रहे हैं हाथी। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अंकल बैठ रहे हैं, यहाँ पे ये हाथी, हाथी मेरे साथी इस क्रॉसिंग रानीघाट ब्रिज। और अभी शाम के समय गैस यहाँ पे बहुत सारे लोग होगा, देखिए गैस रानीघाट ब्रिज के ये पार पे, यहाँ पे आप देखिए गैस कितने सारे लोग पॉपुलेशन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आया हुआ है अभी शाम के समय, और पूरा फोगी निकला हुआ है शाम के समय। और यहाँ पे ये लोग बोलबोंग पार्टी भैया, ओ भैया कौन सा यात्रा कर रहे हो आप लोग? हम बोलबोंग का यात्रा कर रहे हैं, बोलबोंग यात्रा। तो अभी कहाँ से आ रहे हो आप लोग? धेमाजी असम से। और अभी जा रहे हो आप लोग? हाँ? अभी कहाँ जा रहे हो? अभी जाएगा मंदिर, ये डांगोड़िया है आप लोग? हाँ। ओ तो यहाँ पे कर रहे हैं भैया लोग बोलबोंग का, बोलबोंग यात्रा ना। हाँ, धेमाजी से आया है, धेमाजी असम। तो हियर इज द ये बोलबोंग यात्रा, आगे पे यहाँ पे फोटो वोटो खींच रहे हैं। तो शाम के समय यहाँ पे बहुत क्राउड होते है, अभी आप देख पा रहे होंगे ये है रानीघाट ब्रिज के दूसरे पार आ गए है। तो यहाँ पे है गैस जो बोलबोंग यात्रा है, तो यात्रा करके आया है ये धेमाजी, ऐसे धेमाजी से आया है ये लोग। तो यही है गैस, तो चलिए एक अभी यहाँ से घूमते हैं वापस। तो यही है, अभी शाम के समय बहुत सारे लोग यहाँ पे चील करते हैं वो, क्योंकि ठंड का मौसम, यहाँ पे ठंडे ठंडे हवा आता है सियांग रिवर के। तो अभी घूम लेंगे यहाँ से, आए थे दांगोड़िया मंदिर जो कि है पासीघाट पे स्थित है। तो ये लोग आए हैं धेमाजी से आया है तो पासीघाट, तो ये बोलबोंग यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्राउड होते हैं अभी शाम के समय, यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे चील करने क्योंकि ठंडा मौसम है।
तो अभी आप देख सकते हो ट्राई कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए गैस मेरे बीवी को लेना है, फोटो वोटो खिंचवाना है इसे भी। अभी ऑफ हो गया है शाम के समय, बस कुछ समय के लिए खोलता है और ऑफ हो जाते हैं। और वहाँ पे आ चुका है हाथी मेरे साथ ही, एलिफेंट क्रॉस कर चुका है, एलिफेंट क्रॉसिंग रानीघाट ब्रिज। हाथी का नाम क्या है? हाँ तो यही है आज का मेरा वीडियो। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे।